ये सोचा कि एक बार हमारे WMP में IIM लखनऊ नोएडा कैंपस में सारे एक्टर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, एक्टर्स, तो वो आ जाएंगे तो इस कॉलेज का क्या माहौल होगा, हमारे पारितोष जी का क्या हाल होगा? सर की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, वो आएगा बीच में। तो चल रहा है, एडमिशन हो गए हैं, फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो गया है, इसी के दौरान मैं आपको सिक्स टर्म तक की जर्नी भी करा दूंगा। तो फर्स्ट टर्म का पहला क्विज मैनिक लिख रहे हैं सब लोग। हमारे जगदीप जी बहुत परेशान है, शोले के सुरमा भुखारी। अरे बाप क्या हो गया? ये पूरा संसार मुझे शोले सूरमा भोपाली ऐसे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप, ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में मैं तो उलझ गया। अरे बाप, बगल में शत्रुघ्न भाई साहब बैठे होते हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो क्या पड़ वाला है। शत्रुघ्न जी गुस्सा में अगर तेल शब्द और बोला तो तेर का चौमा बना दो, कहा चले को आग कहते हैं, बजे को राग कहते हैं, और जो टैबक को क्रेडिट में बदलता है उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो शत्रुघ्न जी बोल रहे थे बहुत अच्छे, ऐसे ही करते करते भाई टर्म वन निकल गया। एक पारितोष जी की सुंदर सी मेल आ गई। पारितोष जी है कहीं, सुन रहे? कोई नहीं, बिल्कुल यही कही हूं। पारितोष जी की सुंदर सी एक मेल आ जाती है कि भाई ये रहा एग्जाम का शेड्यूल, ये रही एग्जाम की तारीख। अब ये तारीख देख के हमारे राजकुमार जी को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे पारितोष के ऑफिस में जाते हैं। क्या कहते राजकुमार? जानी हम राजा हैं, राजा हम पर्चा देंगे और जरूर देंगे, लेकिन वो पर्चा भी हमारा होगा, वो कलम भी हमारा होगा, और तो और पर्चा लिखने की तारीख भी। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, अब बंदा डरता है तो एफ ग्रेड की मार से। तो अल्टीमेट यार, अल्टीमेट राजकुमार जी। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में मैंने ये कम एक्टर्स डाले, अगर आपको मजा आ रहा हो तो मैं इसमें और बढ़ाता जा सकता हूँ। धन्यवाद। मजे की कॉनोटेशन भी अलग अलग है। तो बच्चा आ गया, सब रिजल्ट आ गया टर्म वन का। ओम प्रकाश जी बहुत बूढ़े थे, उनका पास होना ही बहुत बड़ी बात हो गई, वो कैसे खुश होते हैं। भैया लीला है, परमेश्वर की कृपा है भगवान जी, भैया मैं तो पास हो गया। धन्यवाद सर, पास हो गए। तभी टर्म टू आया, लाया कब कब दो पार्टियों के बीच का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन भगवान देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तभी ऐसे करते करते टर्म थ्री आ गया, IIM-MM सब में उलझ के निकलता रहा टर्म थ्री। इकोनॉमिक्स तो भूल ही गए ये हमारे। टर्म फोर आते आते थोड़ा हमारे मिथुन जी बड़े कॉम्पिटिटिव हो गए। मिथुन जी कॉम्पिटिटिव होगा, सीरियस होगा, इस बार तो बस कर ही देना है काम। रोगो, मिथुन जी क्या बोलते हैं? कसम पता करने वाली की, इस बार अगर एक रेड नहीं आया तो साला मेरा नाम बता देना।
ये सुन के शक्ति कपूर जी गुस्सा आया। शक्ति कपूर जी गुस्साते क्या उनका गुस्सा ना गुस्सा होने की बात आओ तो क्या बोलते आओ मैं तो नंदो सबका बंदो मैं तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ आओ मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो करके पास हो जाऊंगा। दिलीप जी का अभी और है। फिर यही करते करते टर्म फिफ्थ आ जाता है। टर्म फिफ्थ की वो फीस वीस जमा करने की जो हमारी नोटिस आ जाती है, फिर से एक मेल आ गया पारितोष जी का। अब ये देख के अमिताभ जी पहुंच गए पारितोष के ऑफिस में। अमिताभ जी पहुंचे तो पारितोष को लगा भाई ये वो किताबें लेने आए हैं टर्म सिक्स की। टर्म सिक्स की किताबें लेंगे तो पारितोष जी ने ऐसे बोला भाई अमिताभ जी आप साइन कर दीजिए बुक्स लेके चले जाइए। बस इमोशनल हो जाओ पहले उस बॉस से साइन करा के लाओ जिसने मुझे थर्सडे फ्राइडे को ओवर टाइम कराया है। जाओ पहले उस बीवी से साइन करा के लाओ जो हर सैटरडे को बोलती थी आज भी तुम्हारी क्लास है। उस टीचर से साइन करा के लाओ जिसने 69% होने के बाद भी मेरा ग्रेड डाउन कर दिया है। फिर आके मुझसे साइन की बात करना था। पारितोष जी डर गए। टर्म वन से लेकर टर्म फाइव तक मैं लॉरेंस की तरह कभी ऑफिस कभी घर कभी कॉलेज में घूमता रहा, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं करा और आज मैं अपने खुशी के दो पल तुमसे मांग रहा हूं तो तुम मुझसे साइन कराने को बोलो भाई। लेकिन साला यहाँ पे गिदड़ बन के रहेगा। तो टर्म सिक्स, अब टर्म सिक्स, टर्म फिफ्थ का रिजल्ट आ गया। टर्म फिफ्थ का रिजल्ट देख के सर इमोशनल मत होइए, आप भी आ सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चांद बैठे रहिए। तो रिजल्ट आ गया। हमारे दुग्गू जी हितिक जी क्या बोलते हैं, उदास है आइला मेरा फिर से डिग्रेड आ गया। मैं तो इतनी पढ़ाई भी करता हूँ तभी डिग्रेड आ गया। सारे स्टूडेंट सारे टीचर्स भी बड़े डांटते हैं आइला। मैं नहीं उसको जाऊंगा, मम्मी के पास जाऊंगा। जादू कहो तो जादू जादू कहो तो गुड वन। अभी सचिन जी भी खड़े थे। सचिन से किसी ने पूछ लिया, सचिन तेंदुलकर जी पुराने वाले सचिन। हेलो। सचिन जी से पूछ लिया आपका कैसा रहा। सचिन जी थोड़ा बैटिंग वैटिंग का यहाँ परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे, WMP में आकर थोड़ा फंस गए। तो सचिन जी क्या बोलते हैं। हेलो Yeah. Every student's performance some other term, you know, it was not a good term for me. Yeah, I didn't perform. Yeah, but one has to forget his past and look for the future. We need to take learning from the past and perform well. We need to be focused, we need to be grounded. Yeah, we need to perform well. Only ever I've been to pitch on Indian roads. Ye dil maange more. Aha. ये सब हो रहा था। अब टर्म सिक्स आ गया। टर्म सिक्स में आते आते क्या हो जाता है कि टर्म वन में जो लड़का चूं तक नहीं करता वो टर्म सिक्स में आके टाइम टेबल बदलने की बातें करता है। टर्म सिक्स में आके क्या हो जाता है कि कभी शेड्यूल से ना खुश, कभी हमारे कभी कॉलेज से ना खुश, कभी फैसिलिटीज से ना खुश, कभी टीचर से ना खुश, नाखुश बहुत रहता है स्टूडेंट। और बात बात में WMP चेयरमैन के पास पहुंच जाता है। अब ये होता जा रहा था, WMP चेयरमैन काफी इमोशनल हो गए। WMP चेयरमैन थे हमारे नाना पाटेकर जी। गुड मॉर्निंग
उनको आ गया गुस्सा। क्लास की बत्ती नहीं आ रही, चलो WMP चल। पंखा नहीं चल रहा, चलो WMP चल। टीचर से ना खुश, कॉलेज से ना खुश, बात बात पे चलो WMP चल। मैं क्यों बोल रहा हूँ तुमको, पागल हूँ, पागल पागल मैं क्यों बोल रहा हूँ। कभी एक बार खुद से अपने घर में जाके मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करी नहीं। चलो मैं क्यों बोल रहा हूँ पागल हूँ, पागल हूँ, तुम सब गिरे हुए हो, घर जाओगे सो जाओगे, खाना खाओगे सो जाओगे, तुम पे कोई फर्क नहीं। चलो तुम सब गिरे हुए हो, अरे गिरो गिरो तो उस पर्वत की झरने की तरह, जो पर्वत की ऊंचाई से गिर कर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, जो जमीन के तह से मिलकर भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता, लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास। चलो WMP PGP में ये पढ़ा है, WMP में ये पढ़ा है, यही फर्क करते रहो, फर्क करो। ये रहा PGP वाले का खून, ये रहा WMP वाले का खून, बता इसमें से PGP का कौन सा है। जब हमने रिक्रूट करते समय इसमें फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। अभी Now show must go on. हर चीज की ज्यादा बुराई होती है। अगर अभी फेयरवेल भी देनी है तो और एक्टर्स आ जाएंगे, चिंता ना करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम।